भाई पूरे कलर से लाल पीले नीले हो। बंजीत भाई ले रहे हैं यहाँ पे धोती। बताओ गोपेश्वर जाने का कितने रुपए लोगे? प्रॉपर गोपेश्वर राधे 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 राधे। आज हम लोग जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल और प्रेम मंदिर। भाई होली तो हमने बहुत खेल लिया और अभी हम लोग जा रहे हैं पहले प्रेम मंदिर इस्कॉन। देखते हैं पहले कहाँ जाता है। मंजीत भाई वो जाने से पहले कुछ खा पी लेते हैं, तो खाना पहले देखते हैं यार कहाँ पे मिलता है। अच्छा भाई निकलने से पहले हम लोगों ने कुछ खाया पीना था, हमने पहले कहा कि कुछ खा पी लेते हैं ताकि भाई एनर्जी आ सके। अब जाके भाई एनर्जी आई है थोड़ा सा, अभी बालों की हालत बहुत बुरी हो रही है, हो जाएगा भाई सही। रशली बहुत ही अलग वाइब है भाई यहाँ पे। तो भाई हम लोगों ने लगा दी है यहाँ का स्पेशल मिठाई राधे राधे वाली। तो राधे 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 राधे। हालत सबकी बुरी हो रही है बट यह है कि यार मज़ा आ रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं केसी घाट, तो और यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम ना जाए इसलिए रुकना पड़ेगा। हम जा रहे हैं केसी घाट। भैया मिले हमको एक रिक्शा में। तो भैया बताओ गोपेश्वर जाने का कितने रुपए लोगे? प्रॉपर गोपेश्वर भैया, गोपेश्वर पड़ता है यहाँ से देहरादून से पड़ता है 260 किलोमीटर, यहाँ से 300 कुछ किलोमीटर, यहाँ का 560 हो गए। अब बताओ तीन धारे की चढ़ाइयों में चढ़ जाएगी भैया ये पक्का? भैया वहाँ बहुत भयंकर वो है ऐसे टेढ़े मेढ़े वाले रोड, सांप वाले, नाग नागिन वाले, तब नहीं जाएगी। अरे सब पे जाएगी ये भाई बोल रहा है क्या? सब पे जाएगी बोल रही भाई। तो देखो भाई आ रहे हैं हम अब ई रिक्शा लेकर गोपेश्वर। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंचे हैं केसी घाट पे। जिस प्रकार से घाट है ना बहुत ही अल्टीमेट भाई, मतलब और जो पीछे है ना पूरी यमुना जी है और जितनी सारी बोटें चल रही है ना बहुत ही अल्टीमेट। और यहाँ पे बोटों का प्राइस भी अलग अलग है, 100 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये। बहुत ही प्यारा यार, मतलब जो यहाँ का महल है ना, ये पुराना महल बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। और अभी हम लोग जा रहे हैं इस्कॉन पे, तो यहाँ से अभी निकलते हैं क्योंकि यहाँ पे जाते रहेंगे तो भाई मन यहीं हो जाएगा आज पूरा। हम लोग केसी घाट से पहुंचे हुए हैं इस्कॉन मंदिर पे। और भाई सबसे पहले जूते वूते साइड रखने हैं, उसके बाद हाथ पैर धुलते हैं। एंट्री हो चुकी है हमारी इस्कॉन में। और देखो भाई क्या प्यारा सा राधा रानी है भाई। चलते हैं दोस्तों। अभी हम लोग शाम के टाइम पे आए हुए हैं भाई प्रेम मंदिर साइड घूमने, क्योंकि मंदिर तो बंद हो चुका है, लेकिन हमने कहा सोचा क्यों ना शाम के टाइम पे थोड़ा मजे लिया जाए। तो देख रहे हो भाई इस साइड पे क्या मस्त मस्त है, यहाँ पे शॉप खुली हुई है और इस साइड पे देखो सारी टपरियाँ हैं। जैसे हमारे यहाँ पे 6 महीने का सीजन चलता है ना, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि पूरे इस हफ्ते का सीजन लगता होगा। तो यहाँ बहुत सारी भीड़ है भाई, और कल जो आने वाली है ना यहाँ पे भीड़ वो ऑलमोस्ट 10 से 12 लाख लोगों की आने वाली है, अभी तक गेस किया जा रहा है। सोच लो कितनी भयंकर हालत होगी भाई यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे आए हैं थोड़ा सा शॉपिंग करने, और मंजीत भाई ले रहे हैं यहाँ पे धोती। मंजीत भाई कल के लिए हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि यार धोती वोती देख ले कल के लिए कुछ ना कुछ खरीदना। ये देख लो एक दिन पहनने के लिए भाई साहब। मंजीत भाई यार मैं शॉपिंग कर रहे थे लेकिन कुछ पसंद नहीं आया। क्या हुआ धोती का? बहुत महंगी है भाई। बहुत महंगी है, चलो ठीक है यार भाई। 4000 की धोती। 4000 की भाई साहब, 4000 की धोती पहनेगा मंजीत भाई? इतना तो कुछ हो भी नहीं पाएगा हमारा। चलो कुछ और देखते हैं भाई, लेकिन कुछ ना कुछ लेके तो जाना है यहाँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और न्यू व्लॉग की शुरुआत वृंदावन से हो रही है। और भाई मेरे पीछे आपको हल्ला सुनाई दे रहा होगा ना भाई, ये हल्ला भाई आज है वृंदावन की होली का, जो मानते हैं कि भाई पूरे मथुरा में सबसे बड़ी होली मानी जाती है। तो पहले भीड़ दिखाता हूँ आपको, ये देखो भाई क्या तगड़ी भीड़ लग रही है। तो ये सभी लोग जा रहे हैं मंदिर पे और हम लोग भी चल रहे हैं अभी मंदिर पे, और उसकी हमको परिक्रमा करनी पड़ती है। और यहाँ कहा जाता है कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का
एक ही रूप दिखाई देता है, तो इसीलिए आज हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे। और भाई क्या भीड़ हो रखी है सीरियसली, मतलब तो हमने कहा था ना कि 10 से 12 लोग, और मुझे लग नहीं रहा 10 से 12 कल रात से भाई यहाँ पे 11:30-11 बजे से भाई इतने लोग चलने पे लगे हैं, क्या बताएं हम लोग। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं रूम से, और ये देखो भाई ये लोग देखने आ गए कितनी भीड़ हो रखी है, ये देखो भाई, तो सोच लो क्या खतरनाक है, समझ लो। तो निकलते हैं आज तो पूरा भाई किल होने वाले हम लोग, कलर वलर सब कुछ लगेगा, सब कुछ मज़ेदार होगा। तो भाई आ चुके हैं हम लोग भाई ग्राउंड फ्लोर पे, और भाई यहाँ से बहुत प्यारी भीड़ है, तो हम लोगों को भी इन्हीं के साथ चलना है। तो आज की यात्रा को शुरू करते हैं, बोलो राधे राधे। तो दोस्तों निकलने से पहले हमने सोचा क्यों ना एक दो गमछे ले लें, थोड़ा सा मस्त मस्त लुक आएगा, तो सब ने गमछे पहन लिए। डाकू मंगल सिंह, ये है दो हमारे डाकूनी, और उधर हमारे मंजीत है पाजी। तो अब निकलते हैं भाई, बहुत ही मज़ेदार, और आज देख रहे हो कहाँ राजा रानी। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं बांके बिहारी मंदिर के लिए, और वहीं आज फूल वाली होली होती है, और जो उसकी परिक्रमा होती है वहाँ पे होती है एकदम गुलाल वाली होली, मतलब दोनों होलियों का आज मज़ा आने वाला है। सीरियसली यार कलयुग में ही इतना खतरनाक मतलब भाई माहौल है कृष्ण जी का, तो सोचो द्वापर युग में क्या हाल होगा। तो सब कृपा भगवान की। आप लोगों ढोल की आवाज़ तो सुनाई दे रही है, तो हम लोग पहुंच चुके हैं बांके बिहारी मंदिर के बहुत ही नज़दीक, और भाई यहां से ही शोरगुल सुनना शुरू हो गया है, देख सकते हो भाई ये है बांके बिहारी का रास्ता। हम लोगों ने परिक्रमा मार्ग नहीं लिया क्योंकि यह 10 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग है, और यहाँ पर तो भाई अब हल्ला बहुत तगड़ा। तो हो चुके हैं हम लोग की एंट्री, और भाई यहाँ से हम लोग एक बैरियर पर लगे हुए हैं, देख सकते हो भाई क्या तगड़ी भीड़ होती है, तो यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी लगी हुई है ना, तो जो इतने प्यारे प्यारे यहाँ पे शॉप्स खुली हैं, और ये है क्रॉस बैरियर। भाई साहब क्या हालत हो रही है भाई, इतना भीड़ इतना खतरनाक भाई, पूरे कलर से लाल पीले नीले हो गए। अल्टीमेट क्या खतरनाक था भाई, सीरियसली बहुत ही खतरनाक, बहुत ही फूल वाली होली भी देख ली है, बहुत ही अल्टीमेट, बहुत मज़ा आ गया भाई। भाई हम इस शूट को दोबारा देखने के लिए हम एक भाई गली पकड़ रहे हैं, कौन सी गली है भाई, हमें भाई मिला एक बहुत मस्त यार, मजा आ गया। क्या बोला भाई, बहुत खतरनाक सिस्टम हो रखा भाई, गोपर से आए हुए ना भाई, बहुत अल्टीमेट भाई। हमें राधा वल्लभ के लिए किस नंबर गेट पे जाना पड़ेगा? नहीं राधा वल्लभ भी नहीं सी लग जाएगा, पहले राधा वल्लभ करोगे? नहीं पहले हम बांके बिहारी जाना। तो भाई हमें भाई अभी हेल्प करवा रहे हैं, तो ये दूसरा राउंड हमारा बहुत
अभी हम दोबारा गए थे ना, लेकिन जो फूल वाला मोमेंट था ना भाई, वो फर्स्ट टाइम पे ही मज़ा आया था सच में। और भाई हम लोग सब लोग शूट के लिए आए थे, मंजीत भाई को भी थोड़ा बहुत निकला, लेकिन जो निकला ना भाई वो मतलब ऐसा मोमेंट है ना कि भाई मतलब आँखों से ही फील होता। और उसके लिए जो हमने मेहनत की ना भाई, कसम से सारा फ्रस्ट्रेशन जो था ना सारा क्लियर हो गया भाई। क्या मस्त है भाई यहाँ पे, राधे राधे, इन गलियों में घूमने में क्या मजा आ रहा है भाई। अभी हम लोग जा रहे हैं राधा वल्लभ मंदिर भाई। उस जगह की मान्यता यह है कि जब तक आप वहाँ नहीं गए तो यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती, तो हम लोग भी वहीं जा रहे हैं।